सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आपको इस वीडियो में बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। होप करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो सो यार फिलहाल बढ़िया ही रहना। सो गाइस, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग यहाँ पे वन टैप हेडशॉट मारने का यार बहुत ज्यादा ट्राई कर लेते। आप लोग वन टैप हेडशॉट मारने का इतना ज्यादा यार मतलब एक्साइटेड रहते कि काश मैं भी किसी को वन टैप हेडशॉट मार पाऊँ। यार आप लोग इतना ज्यादा मतलब वन टैप हेडशॉट मारने के चक्कर में आप लोग इतना सारा सेटिंग्स कर लेते हो, मतलब कि यार बहुत सारा सेटिंग्स कर लेते हो। आप लोग डीपीआई इंक्रीज कर लेते हो, अपने फोन का हर चीज आप लोग इंक्रीज कर लेते हो वगैरह वगैरह। मतलब कि हर एक मोड होता है ना, हर एक मोड आप लोग यूज कर लेते हो, मतलब कि उस पर भी आप लोग का कभी कभार मतलब हेडशॉट लग जाता है, बट आप लोग का मतलब हर एक गोली वन टैप हेडशॉट नहीं लेता और बहुत ज्यादा आप लोग सैड फील करते हो। सोचते यार कि कभी मैं हैक यूज कर लूं, तो वो हैक यूज करने से आप लोग की आईडी भी बैन हो जाती है। बट आप लोगों का चिंता ना करे यार। सो गाइस, मैं बता दूं आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करके आओ। गाइस मैं बता दूं, आज का वीडियो इतना लेटेस्ट होने वाला ना। गाइस मैं बता दूं कि अगर आप लोग का अगर वन टैप हेडशॉट नहीं लगता ना, तो मैं आप लोग ऐसा तगड़ा वाला कॉम्बो फाइल देने जा रहा हूं ना गाइस, इसका यूज करके आप लोग आईडी भी यहाँ पे 100% सेफ रहेगी। एंड मैं बता दूं कि आप लोग का सीधे ना सीधा सीधे एकदम हेड टू हेड से आप लोग बात करने वाले हो। सो गाइस ऐसा हो सकता है। गाइस मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल जो बैकग्राउंड में गेम प्ले चला है ना, व्हाइट टेबल 44 का आप लोग देख भी सकते हो। एंड मैं बता दूं खुद आज पर्सनली व्हाइट टेबल 44 का पेड वर्जन का जो मैं आप लोग को कॉन्फिग प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसका यूज करके आप लोग बिल्कुल मैं फ्री में आप लोग को देने वाला हूं। गाइस मैं बता दूं इसका यूज करके आप लोग का गेम प्ले यार बहुत ही ग्रैंड लेवल का हो जाएगा। गाइस मैं बता दूं इसका यूज खुद मैं अपने पर्सनली आईडी 60 मतलब 5 लेवल की 65 लेवल की आईडी पे खुद यूज करके इसका गेमप्ले मैं इसका मैं बता कि कॉम्बेबल 100% सेफ एंड 100% सिक्योर, इसका यूज आप अपने मेन आईडी पे भी यूज करके गेमप्ले कर सकते हो। सही बात गाइस, ये किस फोन में वर्क करने वाला है, किस फोन में नहीं वर्क करने वाला। गाइस मैं बता दूं 2GB से लेकर कोई भी फोन हो, हर एक फोन में कॉम्बेबल वर्क करने वाला। गाइस मैं बता दूं किस कॉम्बेबल का आप लोग अप्लाई प्रोसेस अच्छे से देख लेना। एंड आप लोग अप्लाई प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट कर दोगे, अगर थोड़ा सा भी मिस कर दोगे ना, तो गाइस आप लोग का हेडशॉट सही से लगने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग अप्लाई प्रोसेस अच्छे से देख लेना कि अप्लाई प्रोसेस कैसे होता है। गाइस अप्लाई प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी मिस कर दोगे तो आप लोग का वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। तो सिंपली कहते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोग को बताते हैं कि कॉम्बी बैल कैसे अप्लाई होता है। सो फ्रेंड्स, तो सिंपली मोबाइल के स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं एम लॉक वर्ड ट्रिपल 44 का वन टैप हेड, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम लोग। इस समय जेटीजे बारे में तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो कैसे क्या करना हम लोग को आप लोग को सिंपली बता देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही देर से एक्सटेट ईयर करेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड मांग रहे, तो सिंपली पासवर्ड पेस्ट करते हैं एंड पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लिया के पेस्ट कर लेना। जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग का कॉन्फिग कुछ ही देर से एक्सटेट ईयर हो गया, ऊपर फाइल क्रिएट हो गया। तो क्या करना, उसे ओपन करना है। मैं बता दूँ यहाँ पे बस आप लोग को फ्री फायर मैक्सिमम वर्क करने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं का सेंसिटिविटी मिल जाएगा एंड यहाँ पे एम बोर्ड का और एम लॉक का बहुत सारा आप लोग को FFS4X का कोडिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि गाइस आप लोग के फोन में बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। तो कैसे अप्लाई करना, आप लोग को नो रिक्वायर का दोनों कोडिंग सिलेक्ट करके कट कर लेना, ऊपर जाना डिवाइस में पे, फिर जाना आप लोग को एंड्रॉइड पे एंड डेटा पे जाएंगे एंड नीचे स्क्रॉल करके कॉम डिटेल का फ्री फायर मैक्स मिलेगा एंड उसे ओपन करना एंड यहाँ पे फाइल्स को ओपन करना, फिर IL2CCP मिलेगा यहाँ पे पेस्ट कर देना, फिर जाना डाउनलोड के ऑप्शन पे एंड कॉन्फिग को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से कट कर लेना। कट करने के बाद फिर जाएंगे डिवाइस मोड पर, फिर जाएंगे हम लोग एंड्रॉइड पे एंड डेटा पे जाने के बाद से कॉम डिटेल का फ्री फायर मैक्स मिलेगा, हम लोग को उसे ओपन कर लेना। उसे ओपन करने के बाद से फाइल्स को ओपन करना, फिर कंटेंट की उसके बाद कंपलसरी एंड्रॉइड एम बंडल्स को ओपन करने के बाद से यहीं पे पेस्ट कर देना। सिंपली पेस्ट करने के बाद से आप लोग का कॉन्फिग अप्लाई हो जाएगा। बस अपना फोन स्विच ऑफ करके फिर ऑन करना। सो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर।